उसकी वजह आपकी जीवन शैली में अनोखा पद्धति अनोखा अंदाज में ढालों ले लिया है। मुख्यतः मुखाग्नि देना पड़ता है। संगीत विश्वास शोकातील वातावरणामध्ये जो आहे मुखाग्नि देण्यात येत आहे। आज सर्वात महत्त्वाचं ज्या पद्धतीने दुःखावर झालेलं मुखाग्नि देण्यात आलेलं आहे त्या पद्धतीने आपण बघू शकतो। पुढचा मुलगा बाप्पा लहरी यांनी मुखाग्नि दिलेला आहे। पूर्ण वातावरण स्वतःच्या परिस्थितीमध्ये भावना अनावर झालेला आहे। अश्रू खांबाचं नाव घेतलं अशा पद्धतीने मुखाग्नि देण्यात आलेला आहे।
ये करेला आप जाना रस्सी खोल के आ जाओ जैसे उधर ना अभी क्या ऐसे था हम सब लोग यहां पे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर के लिए उसके बाद में आगे भी सब तो आप सब लोग हाथ जोड़ लेंगे लो ले प्रार्थना के लिए रे भाई इतना थोड़ा दूर हो जाइए अग्नि तेज हो जाएगी थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए मुक्ति की संगति की स्वर्ग की कामना करते हैं प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है व्रत गोवाना चाहिए। इस परिवर्तन में दुनिया में ऐसा कौन है जिसका जन्म और व्रत कोई ना हो, वैसा कोई प्राणी में दिखाई दे। जन्मे वाले की व्रत और मृत्यु वाले का जन्म कैसा अटल, इसे चाहकर टाला नहीं जा सकता, इसे भागकर बचा नहीं जा सकता। तो जितना समय जितनी सांसें प्रभु ने ये महान पवित्र आत्मा पूज्य बप्पी दास जी को समर्पित की थी उनको पूरा करते ही वो हमारे बीच में से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए अपने हर कर्तव्य को पूरा किया। कभी कुछ कम नहीं किया, इतना किया इतना किया, जिनके लिए मुझे आप पर गए उतना ही कम, यानी कि उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। ये महान पवित्र आत्मा ने अपने जीवन में अपना नाम बीच में से विदा और आप सभी परिवार के लोगों ने भी उनकी बहुत सेवा की, आपने उनकी बहुत देखरेख की, सब लोगों ने आपने अपने दायित्व को पूरा किया उनके लिए, आपने भी कभी संपूर्ण कुटुंब और यही सेवा यही प्रार्थना और उनके अच्छे जिसे हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दुनिया का कोई सत्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि कभी आत्मा को जला नहीं सकती है, जल कभी आत्मा को गला नहीं सकता और हवा से कभी सुखा नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, ना मरने वाला। इसीलिए हम लोग आपके पूज्य पिताजी की आत्मा की सद्गति की कामना करते हैं या जो भी हमारा उनके साथ में रिश्ता है उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी होती नहीं है। इसीलिए महान पवित्र आत्मा यहाँ पर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई दिया कोई दीपक नहीं जा सकता, उनके ऋणों को भी कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। कहते हैं भगवान ना दिखने वाले माता पिता होते हैं, तो माता और पिता दिखने वाले भगवान होते हैं। तो आपके इस परिवार के भगवान के तुल्य पूजा आपके पिताजी, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर पूर्ण हो रहा है और देवी की तुल्य माता जी जिनके लिए हम लोग दीर्घायु आरोग्यता की कामना करते हैं। अब माता जी ही माता पिता आपके लिए दोनों हैं, उनकी देख रेख में ही बाबू जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। और आप सब लोग हाथ जोड़ते हुए थोड़ी देर के लिए मौन रखेंगे, महान पवित्र पूज्य आत्मा को नमन करते हुए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए, जिंदगी को अच्छे कर्मों से भरा। कहते हैं जिंदगी तीन पन्नों की किताब की तरह होती है, कितने पन्ने, तीन पन्ने। पहला पन्ना जन्म, जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता। सब लोग हाथ पैर वगैरह ओ भाई मैडम एक मिनट हाँ मैडम मैडम हाँ बोलो मुकुल भाई ओ चाचा।
Gracias.